हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है और कैसे इस प्रोसेस ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्स्टेंट रहता है। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अब ऐसा प्रोसेस कौन सा है, जैसे रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर हम क्यों यूज करते हैं किसी भी चीज को ठंडा रखने के लिए, और रेफ्रिजरेटर के अंदर किसी भी सामान को रखते तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता ही नहीं रहता उसका। तो रेफ्रिजरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे काम करता है।